तो हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आज हम लेक्चर नंबर नाइन में बात करेंगे जो इसके पहले वाला लेक्चर था ना लेक्चर एट उसमें जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो इसमें चेक करेंगे और आप में से कई बच्चों ने कमेंट में उनके आंसर दिए थे तो मेरे पास उनके भी नाम है तो उनको भी चेक करेंगे देखेंगे कि किन किन का सही है सबसे पहले हम होमवर्क देखेंगे उसके बाद इसी वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अगर शाखा के अंदर भी शाखा है कॉम्प्लेक्स बन जाता है एक कॉम्पाउंड तो उसका नामकरण हम कैसे करते हैं वो भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे आयु को हम बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए इसके बाद हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग पढ़ेंगे उसके बाद हम क्रियात्मक समूह पर जंप कर जाएंगे जहां पर हम क्रियात्मक समूहों, एक एक क्रियात्मक समूहों की जो नामांकन है जो उनका आयु पी नियम है वो कैसे दिया जाता है सब पर चर्चा करेंगे तो बड़े ही फोकस के साथ और धैर्य के साथ में आपको पढ़ाई करनी है ठीक है तो चलो फिर पहले योगिक की बात कर लेते हैं ये होमवर्क में मैंने आपको दिया था यहाँ पे अगर आप यहां से देखो आई का रूल क्या है सबसे पहला रूल ये है कि नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो दूसरा रूल क्या है देखो फर्स्ट रूल तो ये है कि सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है पहला रूल तो यही है कितना भी कठिन और कितना भी सरल कार्बन के योगिक का आपको दिया जाए आपको रूल कभी भी नहीं भूलना है सबसे लंबी कार्बन की चेन सबसे लंबी कार्बन की चेन याद रखिएगा यहां पर देखो एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच छ एक दो तीन चार पाँच कहीं से भी आप कर लो कार्बन से ज्यादा आपको कार्बन नहीं मिलेंगे तो कोई भी एक मैं सिलेक्ट कर लेता हूं यहां पे ये वाली कार्बन की चेन मैंने सेलेक्ट कर ली अब आई का जो दूसरा नियम है वो कहता है कि नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है तो अब आप यहां से नामांकन करोगे तो यहां से शाखा देखो पहला और दूसरा ये दूसरे नंबर पर आपको शाखा मिलती है और यहां से अगर आप देखोगे तो तीसरे कार्बन पर आपको शाखा मिलती है क्योंकि आप जानते हो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि जो मेन चेन के बाहर है जैसे कि ये एक चीज है जिसे हम मिथाइल कहते हैं और एक चीज ये है यहां पे दो कार्बन है तो इसे हम इथाइल कहते हैं जो कि ई से स्टार्ट होगा अब जरा गौर से देखो कि ये दोनों शाखाएं हैं तो नामांकन वहां से करना है जहां से शाखा पास हो यहां से देखो हमें शाखा मिलती है दूसरे कार्बन पर पहला कार्बन और दूसरा कार्बन तो हमें यहां पर शाखा मिलती है दूसरे कार्बन पर समझ में आ रही है ना बात यहां से चेक करो पहला कार्बन दूसरा कार्बन और तीसरा जबकि यहां से अगर हम नामांकन करते हैं तो यहां से हमें शाखा मिलती है तीसरे कार्बन पर तो कहां से पास पड़ी शाखा यहां से पास पड़ रही है तो यहां से नंबरिंग दे देंगे तो यहां से हम नंबरिंग देंगे तो देखो कैसे नंबरिंग दी जाती है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब इसका नाम लिखना है तो फोर पर जुड़ा है इथाइल दो कार्बन है तो इथाइल और टू पर जुड़ा है मिथाइल तो अब आप इसका नाम कैसे लिखोगे पहले आप लिखोगे इथाइल को भले ही वो फोर पर जुड़ा है लेकिन पहले आप इथाइल को लिखोगे तो फोर इथाइल इसके बाद आप लिखोगे टू मिथाइल ये शाखाओं के नाम आपको पहले लिखना है शाखाएं जो कि प्रतिस्थापी कहलाती है इन्हें हम इंग्लिश में सब्स्टिट्यूट कहते हैं तो यहां पे देखो चार पे क्या है इथाइल और दो पे क्या है मिथाइल समझ में आ गया ना चार पे क्या है इथाइल और दो पे क्या है मिथाइल अब हम जब शाखाओं का नामकरण हो जाता है तो उसके बाद हम मेन चेन को लिखते हैं मेन चेन में कितने कार्बन टोटल छह कार्बन तो हम इसे लिखेंगे हेक्स और मेन चेन में सिंगल 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 बॉन्ड है तो हेक्स प्लस एन तो हम इसे हेक्सेन लिख सकते हैं तो ये इसका नाम हो जाएगा कि फोर इथाइल टू मिथाइल हेक्सेन आया समझ में अब यहां पे चेक कर लेते हैं एक ये आपको दिया गया था यहां पे एक, एक कार्बन यहां पे है 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 यहां पे भी कार्बन है यहां पे भी कार्बन है यहां पे भी कार्बन है और यहां कार्बन। अब आप आयुपीएससी का फर्स्ट रूल कहता है सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना तो एक दो तीन चार पांच यहां पे पांच कार्बन मिलते हैं एक दो तीन चार पांच छ ऐसे चलेंगे तो हमें ज्यादा कार्बन मिल रहे हैं हमें छह कार्बन मिल रहे हैं तो हम यहां से कर लेंगे ये हमारी मेन चेन रहेगी तो ये क्या बन जाएगी ये शाखा बन जाएगी दो कार्बन का इथाइड ये है शाखा में इथाइड तो इसका नामकरण हम कैसे करेंगे इसका नामकरण करना बेहद आसान है नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास है नामांकन करना है इसमें तो देखो यहां से वन टू थ्री कार्बन पे हमें शाखा मिलती है यहां से वन टू थ्री फोर कार्बन पे मिलती है तो नंबरिंग यहां से सही रहेगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब यहां पे देखो थ्री पे क्या है थ्री पे यहां पे इथाइल है तो हम यहां पे लिखेंगे कि थ्री इथाइल और फिर छह कार्बन है अब देखो जैसे ही हमारी शाखा का नामकरण हो जाता है यानी प्रतिस्थापी का नामकरण हो गया जो शाखा के बाहर है वो प्रतिस्थापी है उसका नामकरण हो गया अब मेन चेन के अंदर जो मेन चेन के बाहर है वो प्रतिस्थापी अब अंदर क्या बचा हेक्स कार्बन है तो, और सिंगल है, तो, एन, तो है इसको हम लिख सकते हैं एन है, इसको आ जाओ आप यहाँ पे देख लो यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे यहाँ पे आई थिंक सी वगैरह जुड़ा होगा जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था तो मैं एक बार चेक कर लेता हूं मेरे पास है चेक करने के लिए तो यहाँ पे कुछ जुड़ा तो नहीं है ओके ओके यहाँ पे ऊपर एक सीएल जुड़ा है ना यहाँ पे सीएल जुड़ा है चलिए अब देखते यहाँ पे इसका नामकरण करेंगे तो एक कार्बन यहाँ पे है एक कार्बन यहाँ पे है एक कार्बन यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है है ना यहाँ पे भी एक कार्बन है यहाँ पे भी एक कार्बन तो एक दो तीन चार पांच लंबी चेन तो यही मिलेगी क्योंकि यहां से एक दो तीन चार या एक दो तीन चार यहाँ पे पांच मिल गई लंबी चेन यही सेलेक्ट होगी ये वाली ओके नामांकन वहां से करना है जहां से शाखा पास है यहां से देखो दूसरे कार्बन पे हमें शाखा मिलती है यहां से तीसरे कार्बन पे मिलती है तो यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। दूसरे कार्बन से थ्री ठीक है तो टू पर जुड़ा है क्लोरो और थ्री पर मिथाइल है एक कार्बन है तो ये मिथाइल माना जाएगा तो पहले क्या लिखेंगे क्लोरो क्योंकि ये सी से शुरू होता है मिथाइल से शुरू होता है तो यहाँ पे आएगा टू क्लोरो इसके बाद आएगा थ्री मिथाइल थ्री पर क्या है थ्री पर मिथाइल है और पांच कार्बन को बोलते हैं पेंट और सिंगल बॉन्ड है तो ए सिंगल बॉन्ड है तो क्या ये होमवर्क आपका था तो उम्मीद है कि आपको ये होमवर्क समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है अब मैं उनके नाम बता देता हूँ जिन बच्चों ने होमवर्क किया था तो उनके नाम यहाँ पे हैं सबसे पहले तो यूनुस आलम है ना तो यूनस आलम जो है इन्होंने सही जवाब दिए हैं उसके बाद गणेश ने सही जवाब दिए हैं और इसके बाद देवेंद्र सिंह इनने भी सही जवाब दिए हैं ठीक है तो इनके सही आंसर मेरे पास थे इन्होंने कमेंट करके बताया भी था तो बहुत बढ़िया आप अच्छे तरीके से ऐसे ही पढ़ते रहिए और धीरे धीरे आप पूरी आई पी एस सी सीख सक सीख जाओगे ठीक है तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ और एक्सरसाइज इसमें कर लेते हैं जो हमें आज के लिए इम्पोर्टेंट है जैसे यहाँ पे अगर मैं तीन कार्बन ऐसे बनाता हूँ और चौथे कार्बन पे ऐसे जोड़ देता हूँ ये देखो आप और फिर आगे कंटिन्यू चलता हूँ ऐसे और इसमें मैं चाहूँ तो यहाँ पे और भी चीजें जोड़ सकता हूँ जैसे सी और सी ऐसे जोड़ दिया अब इसमें हाइड्रोजन लगा देते हैं तो हाइड्रोजन कैसे लगाते हैं हाइड्रोजन लगाने का तरीका ये है कि कार्बन की बैलेंसी होती है चार एक दो तीन चार और चारों जगह क्या होते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में क्योंकि कुछ और नहीं लगा है तो हाइड्रोजन ही माना जाएगा तो पहले कार्बन की बैलेंसी कितनी दिख रही है एक एक बॉन्ड लगा है तो इसकी बैलेंसी आपको एक दिख रही है कितनी और लगानी पड़ेगी तीन और लगानी पड़ेगी तो आप यहाँ पे एच थ्री लिख सकते हो यहाँ पे देखो कितनी बैलेंसी दिख रही है इस वाले कार्बन की एक ये और एक ये तो दोनों तरफ एक एक बैलेंसी है तो दो है तो दो और लगानी पड़ेगी तभी तो होगा ना चार तो यहाँ पे सी एच टू अपने आप हो जाएगा यहाँ पे देखो कार्बन की कितनी दिख रही है एक इधर है एक इधर है और एक ऊपर है तो तीन तो बनी हुई है एक और मैं हाइड्रोजन बना देता हूं तो हो जाएगी चार बैलेंसी एक हाइड्रोजन की हो जाएगी तो ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप भी जाने कि हाइड्रोजन से कैसे संतुष्ट किया जाता है और कोई भी स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हो है ना तो उसमें आप गलतियां भी नहीं करोगे और चीजें आसान होंगी देखो ये तीन बैलेंसी बनी हुई है एक हाइड्रोजन की कमी है यहाँ पे देखो दो बनी हुई है एक इधर एक इधर दो की कमी है इधर एक इधर बनी हुई है एक इधर बनी हुई है दो की कमी है एक इधर है एक इधर है दो की कमी है एक इधर बनी हुई है तीन की कमी है तो ऐसे आप बना सकते हो ऐसे आप ऊपर भी बना सकते हो कि एक इधर बनी हुई है तीन दो की कमी है क्योंकि एक ऊपर भी है ना तो दो बनी हुई थी दो ये लगा दी अब इसमें तो केवल एक ही बनी इस कार्बन के लिए तो केवल एक ही है तो तीन बना देंगे अब यहाँ पे देखो कि एक कार्बन ये है इसके चारों तरफ बॉन्ड है तो इसकी बैलेंसी पूरी है चार है एक दो तीन चार लेकिन इस कार्बन की देखो आप इस कार्बन में ये सिंगल बॉन्ड है है कि नहीं तो इसमें हमें तीन हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे तो तीन और एक चार हो जाएगा यहाँ पे देखो इस कार्बन को एक ही बॉन्ड लगा हुआ है तो तीन और हमें लगाने पड़ेंगे इस कार्बन को देखो एक ही बॉन्ड है तो हमें तीन और लगाने पड़ेंगे बताओ आया समझ में कि नहीं तो ये ऐसे हम कर सकते हैं अब ये एक हाइड्रोकार्बन आपके सामने इसका आपको आयु नामकरण यदि करने के लिए बोला जाए तो आप कैसे करोगे बहुत सिंपल है नियम को कभी भी मत भूलो जो नियम आपके हैं उनको तो याद रखो पहला फर्स्ट रूल क्या था सबसे लंबी कार्बन की जो चेन है वो सिलेक्ट करो सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला जो है उसको चुनना है चलो बताओ यहाँ पे सबसे लंबी होनी चाहिए एक दो तीन चार पांच छ सात अगर आप ऐसे आते हो तो आपको कितने कार्बन मिलते हैं सात जरा सीधे चल के देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ इसमें हमें आठ मिल रहे अब ऊपर चल के देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो यहां भी आठ मिल रहे हैं यहां भी आठ मिल रहे हैं तो कोई भी ले सकते हो तो ये वाली मैंने एक मेन चेन सिलेक्ट कर ली यहां पे ये वाली ये कार्बन की एक मेन चेन हमने यहां पे सिलेक्ट करी तो ये एक शाखा बनी कौन सी चीज शाखा बनी है मैं आपको बता देता हूं ये चीज शाखा है और ये चीज भी क्या है शाखा है तो इनका नामकरण हम पहले लिखते हैं इनका नामकरण पहले लिखेंगे दोनों का क्रम बाई क्रम उसके बाद ये मेन चेन का नाम लिख देंगे और इसका नाम हो जाएगा चलो इसका नाम क्या है दो कार्बन के लिए तो हम इथाइल शब्द का यूज करते हैं इसका नाम क्या होगा तो इसका नाम बहुत ही सावधानी से करना कई बच्चे गलती ये कर सकते हैं कि इसका नामकरण करेंगे तो इसको एक अलग से योगिक मान लेंगे कि सी एच थ्री बॉन्ड सी बॉन्ड सी एच थ्री और यहाँ पे भी सी एच थ्री लिख लेंगे और इसमें कहेंगे कि ये अलग से है तो इसका नामकरण कर लो ये सबसे लंबी चेन बना लोगे आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से शाखा पास है तो एक दो और तीन कर लोगे तो टू मिथाइल प्रोपेन आप बना दोगे लेकिन ये गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा क्योंकि नंबर इसमें लंबी चेन बाद में सेलेक्ट करनी है पहले आपको ये बिल्कुल फिक्स हो गया है कि जो कार्बन जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है जो कार्बन मेन चेन से कनेक्टेड है उसको नंबर एक मिलेगा निश्चित है उसको फर्स्ट नंबर मिलेगा उसके बाद आप इधर देख लो लंबी चेन मिल रही है इधर जाके देख लो आपको लंबी चेन मिल रही है कि नहीं इधर जाके देखो लंबी चेन मिल रही है कि नहीं फिर उधर जाओ जहां आपको ज्यादा कार्बन मिले लेकिन फर्स्ट तो ये हो ही गया निश्चित तो आप इधर जाओगे तो भी आपको एक और एक दो कार्बन मिलेंगे आप इधर जाओगे तो भी आपको एक और एक दो कार्बन मिलेंगे आप इधर जाओगे तो भी आपको एक और एक दो कार्बन मिलेंगे तो दो से ज्यादा नहीं मिलेंगे तो आप किधर जाओ कहीं भी चले जाओ तो आप ऐसे चले गए ठीक है तो मैंने यहाँ पे एक ये बना लिया एक ही बना लिया तो ये आपकी लंबी चेन सेलेक्ट हो जाएगी आया समझ में कि नहीं इसका नाम लिख रहे हैं कि कैसे लिखोगे ठीक है तो ये लंबी चेन हो गई अब इसमें आपको एक शाखा शाखा है ये बॉक्स बनाया था ना ये वाला लेकिन इसमें भी अगर हम नंबर देने चले तो इसमें एक शाखा ये एक शाखा ये तो शाखा के अंदर शाखा का नामकरण कैसे करोगे तो इसका भी हम एक नाम लिखेंगे कैसे वन पे क्या है एक मेथिल यहां पे है एक मेथिल यहां पे मतलब एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है तो इसका नाम होगा वन वन डाई मिथाइल क्योंकि दो बार है मिथाइल तो मिथाइल उसके बाद ये हम लिखते क्या थे कि दो कार्बन तो एथ और सिंगल बॉन्ड तो एन तो हम लिख देते थे इसमें एथेन लेकिन ये एथेन शब्द नहीं लिखना है दो कार्बन को एथ तो बोलेंगे लेकिन भाई साहब ये शाखा में है ये मेन चेन में होता तो एथेन चल जाता लेकिन ये तो शाखा बनी हुई है तो एथेन की जगह पर आप शब्द इस्तेमाल करोगे इथाइल जैसे ये देखो ये क्या है इथाइल है तो जब भी शाखा है तो एथेन नहीं होगा इथाइल होगा मैथेन नहीं होगा मिथाइल होगा प्रोपेन नहीं होगा प्रोपाइल होगा जब भी क्या हो शाखा हो थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है चीजें आसान होंगी तो ये आपका क्या हो जाएगा इथाइल तो वन वन डाई मिथाइल इथाइल है ये वन वन डाई मिथाइल इथाइल है चलो तो इसका इनका और इनका पूरे यौगिक का नामकरण करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं बहुत ध्यान से समझना पूरे यौगिक का नामकरण करते समय आपको सबसे पहले शाखाओं का नाम लिखना है तो ये इथाइल है और ये क्या है भाई साहब ये डाई मिथाइल है तो डाई शब्द में डी आता है पहले और इथाइल का ई e आता है तो ए बी सी डी में पहले डी आएगा कि ई e आएगा बताओ तो पहले डी आता है फिर उसके बाद ई e आता है तो पहले ये वाला नाम लिखेंगे डाई मिथाइल तो तो ये कितने नंबर पर है तो अब आपको नामांकन करना होगा नामांकन वहां से करेंगे देखो मेन चेन का नामांकन नहीं किया अभी तक हमने तो कर लेते हैं मेन चेन का नामांकन नामांकन वहां से करो जहां से शाखा पास हो इधर से वन टू थ्री फोर फाइव याद से देखो वन टू थ्री थ्री पे मिला है तो यहां से नामांकन कर लो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चलो अब नामांकन कर लेते हैं तो थ्री पे क्या मिलेगा आपको थ्री पे देखो आप इथाइल है और फोर पे क्या है, one, one, है। तो यही लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेटिकली ये पहले आ रहा है तो फोर वाला लिखेंगे तो फोर पे कोष्टक लगाओगे क्योंकि शाखा के अंदर भी शाखा है ये वाला है तो फोर कोष्टक फिर फोर के अंदर आएगा वन वन डाई मिथाइल इथाइल ठीक है ये आ गया पोष्टक बंद कर देंगे इसके बाद थ्री इथाइल आ जाएगा बड़ी आसानी से थ्री इथाइल ठीक है थ्री इथाइल आ जाएगा इसके बाद आप देखोगे तो मेन चेन शाखाओं के नाम हो गए मेन चेन मेन चेन में कितने कार्बन आठ तो आप लिखोगे ऑक्ट और सिंगल बॉन्ड है तो एन पूरे में सिंगल है देखो तो ऑक्टेन हो जाएगा और यही इसका नाम होगा बहुत ही सिंपल है तो इस तरीके से आपको इसका नामकरण करना है कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बता देना बाकी बहुत ही सरल है इसका नामकरण चलिए एक दो कुछ और योगिक लेते हैं बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे ठीक है तो यहां पे हमने ऐसे कुछ यौगिक लेते हैं जिनका नामकरण आसान हो आपके लिए अभी शुरुआत है क्योंकि चलो ये ले लिया अब इसमें चलो ये दे दिया है इसमें हाइड्रोजन गायब है समझ लो हाइड्रोजन लगे हुए हैं ठीक है चलो अब बनाओ सबसे लंबी शाखा सबसे लंबी चेन आई नाम दो इसका फटाफट -पत वीडियो को पॉज करके चलो अब मैं बता देता हूँ सबसे लंबी सबसे लंबी कार्बन की चेन सेलेक्ट करना है तो कौन सी होगी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस बिल्कुल सरल दिख रही है सबसे लंबी तो यही है क्योंकि आप इधर से इधर जाओगे तो एक दो तीन चार इधर से आओगे एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस इधर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस यहाँ पे मैं एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ ठीक है उसी कलर से बना देता हूँ क्योंकि मेरा उद्देश्य है वही चीज सिखाना ठीक है एक और बढ़ा देते हैं चलो अब सही है ना एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ही आएंगी और इधर से एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस आएंगे तो ये वाली जो चेन है ये अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये वाली बनेगी इसमें भी हम एक शाखा डाल देते हैं यहाँ पे चलो अब देखो तो इधर पे हमने अब इसका नामकरण करना है सबसे लंबी चेन तो अगर आप ये कर रहे हो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो ये पूरी एक अलग से बनेगी अगर आप ये कर रहे हो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इसमें ज्यादा चेन देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह और जबकि ऐसे नीचे आते हैं तो कितनी होंगे एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ठीक है तो ये वाली ज्यादा लंबी चेन है तो इसको सिलेक्ट कर लो हाइड्रोजन मान लो लगे हुए हैं अब नामांकन वहां से करूं जहां से नामांकन वहां से करूं जहां से शाखा पास है वन टू थ्री थ्री पर यहाँ पे वन टू थ्री फोर पर है तो ये नामांकन हो जाएगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये हो गया अब इसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक दो बातें बताना चाहूंगा कि ये थ्री पर एक कार्बन है तो ये मिथाइल है और यहाँ पे एट पे भी एक कार्बन है तो ये भी मिथाइल है बाकी ये फाइव पर देखो साखा एक मेन चेन उसके अंदर भी शाखा मतलब पांच पे ये पूरी ये क्या है शाखा है लेकिन शाखा के अंदर भी एक शाखा है तो इसका नामकरण हम अगर एक कार्बन होता तो मिथाइल बोल देते दो कार्बन होता तो इथाइल बोल देते तीन कार्बन होता तो प्रोपाइल हो, होता लेकिन इस शाखा में भी एक शाखा जुड़ी हुई है आप देखो ये वाली तो इस टाइप के यौगिक हम सीख रहे हैं तो चलो फिर इसका नामकरण कर लेते हैं तो ये तो पता है इसका और देख लेते हैं तो मैंने आपको समझाया था मैंने आपको क्या समझाया था कि जो कार्बन डायरेक्ट मेन चेन से कनेक्ट हो उसे फर्स्ट नंबर देंगे अब लंबी चेन ढूंढो इस तरफ तो दो ही मिलेंगे इस तरफ तीन मिल रहे हैं तो यहां पे नंबरिंग हो जाएगी तो एक, एक पर एक कार्बन जुड़ा है एक पर एक मिथाइल जुड़ा है और टू पर भी एक मिथाइल जुड़ा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा वन टू डाई मिथाइल डाई वन पर भी एक मिथाइल है टू पर भी एक मिथाइल है तो वन टू डाई मिथाइल और इसको प्रोपेन नहीं लिख सकते क्योंकि तीन कार्बन है मेन चेन में तो प्रोपेन नहीं लिख सकते प्रोपाइल लिखेंगे क्योंकि ये है। प्रोपाइल। चलो ये हमने इसका नामकरण कर दिया तो ये अब इसी की टेंशन थी कि इसका नामकरण कैसे करेंगे बाकी सब सरल है चलो लिखते हैं तो डाई का डी शुरू होगा तो इसी को सबसे पहले लिखेंगे किस पे जुड़ा है फाइव पे तो इसका नाम होगा फाइव कोष्ट लगाएंगे क्योंकि शाखा के अंदर भी शाखा है तो फाइव और फिर ये पूरा नाम लिख देंगे वन टू डाई मिथाइल प्रोपाइल हमने लिख दिया इसके बाद वन टू डाई मिथाइल प्रोपाइल अब थ्री और एट पर है मिथाइल तो इसको लिखेंगे थ्री कॉमा एट फिर ये डाई मिथाइल क्योंकि ये भी एक सी चीज है तो वैसे ही लिखेंगे तो यहां पे पेन मेरा थोड़ा तो सा नीचे गिर गया था थ्री एट डाई मिथाइल और ये देखो ग्यारह कार्बन जिन्हें हम अनडेक कहते हैं तो अनडेकेन हो जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो अनडेक प्लस एन सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है एन तो अंडेकेन। तो इस तरीके से हमने इसका नामकरण भी कर दिया तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा तो ये कॉम्प्लेक्स है और ये आज की एक्सरसाइज में थोड़ा सा आप बोर हो रहे होंगे मुझे पता है लेकिन क्या करें ये इस तरीके से ही सेंटेंस है क्योंकि हम सरल से कठिन की ओर जा रहे हैं थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो सकती है आप दोबारा से एक बार फिर से वीडियो देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा ठीक है अगर आप बोर हो रहे हैं तो क्योंकि ये ऐसे ही रहते हैं इसमें मैं भी क्या करूँ थोड़ा सा तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना ही पड़ेगा चलिए अब इसको मिटा देते हैं आप एक बार नोट कर लो अच्छे से फिर मैं मिटा देता हूँ चलिए अब और लेते हैं पूछा बॉन्ड लाइन रोटेशन में ले लेते हैं ठीक है तो बॉन्ड लाइन रोटेशन में कुछ यौगिक ले लेते हैं जैसे चलो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अब इसमें आपको सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है चलो ये स्ट्रक्चर है अब अब अगर आप कर पा रहे हो तो ठीक है नहीं तो मैं तो करूंगा आप देख लेना कैसे करते हैं ठीक है चलो वीडियो को पॉज कर सकते हो आप क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं चलो ठीक है कर देते हैं यहाँ पे कार्बन पहले देखेंगे कहाँ कहाँ है यहाँ पे एक कार्बन है यहाँ पे है एक कार्बन यहाँ पे है है ना ये ये चीज तो आप जानते हो कि कहाँ कहाँ कार्बन है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो लंबी चेन कहाँ से मिलेगी यहाँ से मिलेगी एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ से गिनो एक दो तीन चार पाँच यहाँ से गिनो एक दो तीन चार पाँच छः तो यही सबसे लंबी चेन आपको दिख रही होगी इसमें दो कार्बन इस तरह पर पर ऐसे ऐसे चल गई है तो हम यहाँ पे लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे ये देखो ये है। ये है लंबी चेन तो फिर शाखा कौन कौन सी चीजें बन गई है शाखा कौन कौन सी चीजें बनी हुई है एक ये है शाखा सब्सटीट्यून जिन्हें हम कह सकते हैं तो देखो एक ये, ये है शाखा ये वाली ठीक है मैं अलग से नहीं लिखता हूँ इसमें देखो एक ये है शाखा एक ये है और एक ये है तो ये शाखा के अंदर भी शाखाएं हैं तो देखो अब क्या करोगे आप सबसे लम्... सबसे पहले तो ये एक है यहाँ पे कार्बन तो ये तो मिथाइल है बहुत सरल है देखने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा ये भी क्या है मिथाइल है और ये क्या है तो ये जो कार्बन है ये डायरेक्ट इससे अटैच है तो ये नंबर एक होगा तो अब इस अब वहां जाना है जहां ज्यादा कार्बन मिले तो यहां से भी एक कार्बन मिलेगा यहां से भी तो नंबरिंग कहीं भी कर सकते हो तो यहाँ कर देते हैं दो तो वन पे एक मिथाइल आप नंबर जब यधर गए तो ये शाखा बन गई तो ये वन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है ठीक है तो वन पे एक मिथाइल जुड़ा हुआ है तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं तो अब मेन चेन में नंबरिंग करेंगे नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से शाखा पास हो इधर से देखो वन टू थ्री कार्बन पर मिथाइल यहाँ से वन टू थ्री पर भी मिथाइल है तो यहाँ पे फोर पे सेम टू सेम है तो मिथाइल मिथाइल दोनों है तो कहीं से भी कर सकते हैं तो नंबर से कर लेते हैं वन ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा एक फिर ये हो जाएगा दो ये हो जाएगा तीन ये हो जाएगा चार इसके बाद यहाँ पे पांच यहाँ, यहाँ पे सात ठीक है क्लियर हुआ कि नहीं तो सात कार्बन की हमने एक चेन बना दी है ठीक है अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बताइए कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं इसमें आगे यहाँ से अगर हम नंबरिंग करते एक दो तीन चार पाँच छह ही कार्बन आ रहे थे तक तो तीन चार पाँच छह तो सात कार्बन ज्यादा सही है ठीक है अब चलिए अब करते हैं इसका नामकरण मैं ये सोच रहा था कि इधर से लंबी चेन तो नहीं बन रही कहीं तो मैंने फिर गिना कि एक दो तीन चार पाँच छह ही आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अगर सात आ जाते ना तो फिर दिक्कत हो जाती कि सात ये भी है सात तो उस चेन को सिलेक्ट करना होता है जिसमें ज्यादा साखलाए अभी फिलहाल नहीं है चलो फिर इधर से करते हैं थ्री पर मिथाइल है फाइव पर मिथाइल है लेकिन ये क्या है इसका नाम देख लो तो वन टू यानी वन पे मिथाइल है तो इसका नाम होगा और मिथाइल मैं एम बना देता हूँ मिथाइल के लिए फिलहाल वन मिथाइल और इथाइल क्योंकि ये दो कार्बन है तो एथेन नहीं होगा क्योंकि ये शाखा है तो इथाइल हो जाएगा तो वन मिथाइल इथाइल है तो मिथाइल यहाँ पे भी आ रहा है तो फिर क्या करेंगे किसी को भी लिख सकते हैं तो पहले इसी को लिख लेते हैं फोर के अंदर वन मिथाइल इथाइल लेकिन इसको लिखेंगे जब फाइव और थ्री को तो इसमें डाई आएगा तो डी आएगा पहले तो मुझे ये नहीं लिखना चाहिए पहले मुझे लिखना चाहिए ये वाला थ्री और फाइव थ्री फाइव पर एक ही चीज जुड़ी है ना एम एम मिथाइल तो थ्री फाइव डाई मिथाइल थ्री फाइव डाई मिथाइल थ्री फाइव डाई मिथाइल और फोर पे क्या है यहाँ पे देखो डी आ गया तो ये अल्फाबेटिकली पहले आ गया तो यहां पे देखो फोर फोर पे क्या है वन मिथाइल इथाइल वन मिथाइल इथाइल

तो ऐसे बहुत सारे योगक हो सकते हैं तो आप इनको भी दोहरा सकते हो और चीज़ों को आसान बना सकते हो मेरे पास एक्सरसाइज में इतने ही थे और बाकी कुछ एक्सरसाइज तो हमने नहीं ली है अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए एक्सरसाइज करेंगे तो आप तैयार रहना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अभी तक हमने सिंगल बॉन्ड के लिए काफ़ी चीज़ें करी हुई हैं अब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तो तैयार रहना ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए बाय थैंक यू